ज़्यादा फैली हुई है इधर। ये देख सकते हैं आप गाय की हालत, ये देखें बड़े बड़े ना दाने हैं वायरस वाले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और यार, आजकल जो जानवरों में बीमारी फैली हुई है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। जो जानवर दो जानवर हैं हमारे रिश्तेदारों के, बुरी तरह मुतासर हैं, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ उसकी वीडियो। वीडियो में आप लोगों को ब्लॉग में उसे उनको ले लेता हूँ, और आप लोग देखें यार, क्या आपके इलाके में भी इस तरह की बीमारी है या नहीं है, तो कमेंट में लाजमी बताएं। और शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार वाली वीडियो। अगर उससे पहले आपने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, और फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आप लोगों को बीमारी दिखाता हूँ। ये दो जानवरों में बहुत ज़्यादा फैली हुई है इधर। ये देख सकते हैं आप गाय की हालत, ये देखें बड़े बड़े ना दाने हैं वायरस वाले जो बने हुए हैं दोनों साइडों पे। पीछे से देखें, इस साइड से भी देखें, ये देखें सारे दाने हैं बड़े बड़े। अभी एक और जानवर है वो अंदर खड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर इससे भी ज़्यादा है बीमारी ये वाली, ये देखें, ये है वो दूसरा जानवर। ओए होए, या अल्लाह तू माफ़ कर। ये देखें, ये देखें, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है ये बीमारी इस टाइम। और इस बीमारी में ये है कि इन्हें बुखार है, टेम्परेचर रहता है, खाता पीता जानवर कम है, और ऐसा ऐसा गिर जाता है ज़मीन पे क्योंकि इसमें एनर्जी ही नहीं रहती ना। ये देखें आप हालत, देखें यार इसकी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इनको सियत दे बहुत जल्द। ये देखें सारी फैली हुई है। ओए होए, ये देखें जानवर की हालत बहुत बुरी हालत है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कौवा बोल रहा है, कहते हैं कि जब कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं मिट्टी आ रही है, मिट्टी की रेड़ी, क्योंकि कीचड़ इतना बन चुका है और पानी की वजह से, तो इस चीज़ को मिट्टी की ज़रूरत पड़ गई है बाहर से। कहाँ सटी है, हैं कहाँ, हाँ बुट्टे और घर हाँ मूँच लगाई है दिखा, तू सट 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 कावी दूते सट 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 अपना बदला गिन बदला गिन बदला सट 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 सटी भी साफ कर शो देखो। वो बदला गिनता खड़े अपना देख, बदला गिनता खड़े का बिना सारा कर। Three hours later. हेलो जी यार, तुसीन ऐसे हैं कि आज पूरा दिन मैं थोड़ा मसरूफ रहा हूँ घर के कामों में, क्योंकि आज थोड़े बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं वीडियो नहीं बना सका किसी वजह से। फिर इंशाल्लाह कल हम लोग वीडियो को बनाएंगे, पर वो अपलोड नहीं कर रहा मैं क्योंकि आज मेरी वीडियो नहीं बन सकी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलेगी। और अब तो रात हो गई है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। और यार हाँ, एक और बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं इधर शिवाला वाली साइड पे, करोड़ के नीचे, और वहाँ दरिया सिंध वाली साइड पे उनका घर है, और उनको लगता है उनकी साइड पे ना सैलाब आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है, तो उस और उधर जाना है कल इंशाल्लाह, वहाँ जाएंगे। और अगर वहाँ गए तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, उसको भी ब्लॉग में लेंगे। फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखें आप लोग अपना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। The next day. और यार अभी मैं एक बहुत बुरी न्यूज़ सुनी है, ख़बर सुनी है, जो फैसलाबाद में एक खदीजा नामी लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ है, वाकया हुआ है यार। उस बंदी को ना जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले, और हमसायों की मोटर ख़राब है वो ठीक कर रहे हैं। और ये तारीख का एक बदतरीन और एक सियाह इंसिडेंट है ये जो फैसलाबाद में हुआ है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को और अदालतों को चाहिए कि उसको इंसाफ दिलाएं, और ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके उस बेचारी के ऊपर जो जुल्म हुआ है, और उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करें। यार तो सीन ऐसे कि टाइम हो गया है 2 बजे का, और खाना शाना खा लिया दोपहर का, और ब्लॉग बन नहीं पा रहा। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही आपके भाई की, और दुआ करें कि आपके भाई की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए।
और आप लोग देख रहे होंगे मैं इस कमरे की सेटिंग कर रहा हूँ। मैं कल से लगा हुआ हूँ इसी कोशिश में कि ये थोड़ा बेहतर हो जाए, यहाँ पे व्लॉगिंग अच्छी लगे जब हम करें। और अभी इसको मजीद टाइम दरकार है, कुछ टाइम लगेगा इस सेटिंग, कोई अंदर से अंदर से पेंट कराते हैं थोड़ा, और थोड़ा सेटिंग शेटिंग कराते हैं, यहाँ पे लाइट शाइट थोड़ा बढ़ाते हैं। और बाहर का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है, गर्मी तो है नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है, क्योंकि बारिशों का फिर बता गए हैं और अल्लाह ना करे कि अब बारिशें आए। और ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। और फिर मैं अभी थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूँ थोड़ा बहुत। 5 मिनट्स लेटर। और जी माशाल्लाह आप हमारा रोड देख सकते हैं, ये नई सड़क है जो बनाई गई है अभी। ये तकरीबन जब से हम पैदा हुए तो वही खड्डे वाली सड़क देख रहे थे, और ये बड़ी मुश्किलों से अब जाके बनी है। और स्पेशली थैंक्स टू हाजी साहब जो हमारे MNA साहब हैं, करोड़ के थे, अब तो नहीं है, चलो खैर दोबारा बनेंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं जा रहा हूँ 40 की स्पीड पे और शहर में पहुँचूँ, मेरा शहर थोड़ा काम है, फिर आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द। 3 hours later इस साइड पे चले गए और टाइम असर का होने वाला है तकरीबन मेरा ख्याल है। और आज सुबह करोड़ गया था, सारा रूटीन वहाँ काम वगैरह किए हैं, 2-3 वो हो गए थे, और एक व्लॉग बन गया है प्रॉपर, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं कि आज की वीडियो को बस इधर ही एंड कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।